नमस्कार, मैं हूं मुस्कान असमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। कहते हैं जब वक्त अच्छा होता है तो सब अच्छा होता है, लेकिन जब वक्त बुरा हो तो सब बिगड़ जाता है। ऐसा ही कुछ हाल है इस समय यूपी के माफियाओं का। ना सिर्फ माफियाओं का बल्कि उनके परिवार से लेकर रिश्तेदारों तक सबका हाल बेहाल हो गया है। कोई गिरफ्तार है तो कोई फरार है। सिर्फ माफिया ही नहीं बल्कि उनके माफिया राज को बढ़ावा देने वाली उनकी पत्नियों की भी लगातार खोज की जा रही है, जो लगातार पुलिस को चकमा देकर आखिर कहां छुपी बैठी है, ये लगातार अब चर्चा का विषय है। ये रिपोर्ट देखिए। मोस्ट वांटेड 3 महिलाएं फरार, यूपी पुलिस को दे रही चकमा माफिया क्वीन। माफियाओं की बेगम मचा रही उपद्रव, माफियाओं के साम्राज्य को चलाती है उनकी बेगम। आखिर कब गिरफ्त में आएंगी ये माफिया क्वींस? एक वक्त था जब यूपी जुर्म और अपराधों के लिए जाना जाता था। यूपी की पहचान अपराध से होती थी, लेकिन एक आज का वक्त है जहां यूपी में माफियाओं, अपराधियों और अपराध की नो एंट्री है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अब यूपी अपराध नहीं बल्कि विकास के लिए अग्रसर है। यूपी में अपराध को खत्म करने के लिए माफियाओं पर बाहुबली का खात्मा किया जा रहा है। कई माफियाओं का राज अब मिट्टी में मिल चुका है, तो कोई सलाखों के पीछे कैद है। लेकिन इन माफियाओं से ही नहीं, इनके अलावा यूपी को लेडी डॉन से भी खतरा है। ये लेडी डॉन माफियाओं से भी ज्यादा खतरनाक है। यूपी पुलिस इनकी खोज कर रही है और ये लगातार यूपी पुलिस को चकमा दे रही है। पुलिस ने मोस्ट वांटेड महिलाओं की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें टॉप 3 में यूपी की महिलाएं हैं जो कि अभी तक फरार हैं। पुलिस लगातार इनकी खोज कर रही है, लेकिन ये तीनों पुलिस की पकड़ से बाहर है। और तो और, सरकार ने इन तीनों लेडी डॉन के खिलाफ भारी इनाम राशि भी जारी की है। लेकिन ये महिलाएं पुलिस को चकमा देकर अभी तक फरार है। इनकी खोज में यूपी पुलिस दिन रात खुवार हो रही है, लेकिन ये तीनों की कोई खोज खबर नहीं है। ये तीनों महिलाएं कोई आम महिला नहीं है, बल्कि यूपी के मशहूर बाहुबली, माफिया और अपराधी की बीवियां हैं। जितना आतंक यूपी में इन अपराधियों ने फैलाया है, उतना ही उनकी बेगमों का भी खौफ है। पुलिस की मोस्ट वांटेड महिलाओं की लिस्ट में पहले नंबर पर है दीप्ति बहल। दीप्ति बहल बाइक बोर्ड घोटाले के मुख्य आरोपी संजय भाटी की पत्नी है। बता दें कि संजय भाटी का नाम मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट में शामिल है। इतना ही नहीं, दीप्ति बहल पर यूपी पुलिस ने 5 लाख का इनाम भी घोषित कर रखा है। वही मोस्ट वांटेड महिलाओं की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है अफशा अंसारी। अफशा अंसारी बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी है। पुलिस ने अफशा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है, साथ ही अफशा पर 75,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। वही तीसरी मोस्ट वांटेड महिला है शाइस्ता परवीन। शाइस्ता परवीन माफिया अतीक अहमद की बेगम है और फिलहाल वो फरार है। शाइस्ता पर पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा है। यूपी पुलिस की मोस्ट वांटेड में शामिल टॉप 3 की महिलाएं भी शामिल हो चुकी हैं, जिसमें बाइक बोर्ड घोटाला हो या फिर माफियाओं की पत्नी जो उनका नेटवर्क चला रही हैं। हम बात कर रहे हैं टॉप 3 महिला अपराधियों की, जो पुलिस की लिस्ट में मोस्ट वांटेड हैं और उन पर इनाम की धनराशि भी अधिक है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर बाइक बोर्ड घोटाला दीप्ति बहल है, जिस पर यूपी पुलिस ने 5 लाख का इनाम जारी किया हुआ है। जब से उस पर इनाम जारी हुआ है, तब से वो फरार चल रही है। 15,000 बाइक बोर्ड घोटाले मामले में ये मुख्य आरोपी भी है। इसके साथ ही बाहुबली मुख्तार अंसारी की बात करें तो उनके जेल में जाने के बाद से उनकी पत्नी अफसा अंसारी उनका पूरा नेटवर्क चला रही थी, जिसमें अब पुलिस भी उनकी धरपकड़ तेज कर चुकी है, जिसको लेकर उन पर 75,000 का इनाम भी जारी किया गया है। टॉप 3 में साइस्ता परवीन की बात की जाए, जो अतीक अहमद की पत्नी है, जिसमें बताया जा रहा था कि जब से साबरमती जेल में अतीक अहमद बंद हुआ, तब से पूरा नेटवर्क उसके कंट्रोल में था।
लेकिन उमेश पाल हत्याकांड के बाद से साइस्ता फरार चल रही हैं, जिसकी तलाश में पुलिस यूपी के कई जेलों में छापेमारी भी कर रही, लेकिन साइस्ता अब तक फरार है क्योंकि टॉप थ्री की तीनों महिलाएं अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। खुफिया एजेंसियों की बात करें तो वो भी उनका पता लगाने में नाकाम साबित हो रही है। अब पुलिस के मुख्य रडार पर अफसा अंसारी और साइस्ता परवीन है, क्योंकि इन ये दोनों ही बाहुबली और माफिया की पत्नी हैं। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आखिर पुलिस इन तीनों महिलाओं तक कब तक पहुंचेगी और कब तक ये तीनों महिलाएं पुलिस की गिरफ्त में होंगी। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। दीप्ति, अफशा और शाइस्ता ये तीनों ही माफियाओं की पत्नी है जो अभी तक फरार बताई जा रही है और पुलिस के पास भी अब तक इनका कोई सुराग नहीं है। तो वही बाइक वोट घोटाले में आरोपी और उत्तर प्रदेश की मोस्ट वांटेड महिला क्रिमिनल दीप्ति बहल पर 5 लाख रुपए का इनाम है। फिलहाल वो फरार है और आशंका जताई जा रही है कि वो विदेश जा सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। दीप्ति बहल उत्तर प्रदेश की मोस्ट वांटेड महिला क्रिमिनल है। दीप्ति बाइक बोट घोटाले के मुख्य आरोपियों में शामिल है। दीप्ति बहल पर 5 लाख रुपए का इनाम है। बता दें कि दीप्ति बागपत के एक कॉलेज की प्रिंसिपल रह चुकी हैं। दीप्ति पर लगभग 100 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज है। दीप्ति लोनी की रहने वाली है और बाइक टैक्सी वेंचर को बढ़ावा देने की आड़ में नोएडा से ऑपरेशन चलाने वाले मास्टरमाइंड संजय भाटी की पत्नी है। वही मामले की जांच कर रही मेरठ आर्थिक अपराध शाखा का अनुमान है कि ये स्कैम करीब 4500 करोड़ रुपए का है। दीप्ति की बात करें तो 2019 में घोटाले में पहला मामला दर्ज होने के बाद से दीप्ति फरार है। राज्य की मोस्ट वांटेड महिला के रूप में उसकी तलाश हो रही है। इसके अलावा दीप्ति पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए जाने की तैयारी की जा रही है। बाइक बोट घोटाले में नाम आने के बाद से दीप्ति बहल फरार है। पुलिस की कई टीमें दीप्ति की खोज में लगी हुई है, लेकिन दीप्ति लगातार सबको चकमा दे रही है। ईडब्ल्यूओ ने दीप्ति पर 2020 में 50,000 रुपए के इनाम की घोषणा की थी। साथ ही लोनी में उसके आवास को कुर्क कर दिया था। वही सूत्रों की माने तो दीप्ति देश छोड़कर भागने की तैयारी कर रही है, जिसके चलते दीप्ति के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की कार्रवाई चल रही है। दीप्ति का नाम देश भर में दायर 150 से अधिक अन्य मामलों में शामिल है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किए गए 31 लोगों और 13 कंपनियों को भी चार्जशीट में नामजद किया गया है। वही पुलिस ने अब तक दीप्ति की 216 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की है। तो यूपी पुलिस की मोस्ट वांटेड क्रिमिनल और महिला क्रिमिनल दीप्ति की कहानी तो आपने सुनी, तो वही यूपी की दूसरी मोस्ट वांटेड महिला क्रिमिनल और बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी पर 75,000 रुपए की इनामी है और अफशा भी फरार है। अफशा अपने पति के आपराधिक साम्राज्य की कमान संभालती है, उनकी भी कहानी देखिए। अफशा अंसारी उत्तर प्रदेश की दूसरी मोस्ट वांटेड महिला क्रिमिनल है। अफशा आईएएस 191 गैंग के सरगना और बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी है। अफशा पर 75,000 रुपए का इनाम है। यूपी पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक अफशा पर 9 एफआईआर दर्ज है। पुलिस का कहना है कि मुख्तार अंसारी की गिरफ्तारी के बाद उसकी पत्नी अफशा अंसारी ही अंसारी गैंग के आपराधिक साम्राज्य की कमान संभालती है। अफशा 2005 में मुख्तार अंसारी के जेल जाने के बाद से ही मुख्तार का इंटरस्टेट गिरोह चला रही है। गाजीपुर पुलिस ने मुख्तार की पत्नी अफशा पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। मऊ के दक्षिण टोला के रैनी गांव के पास विकास कंस्ट्रक्शन नाम की फर्म बनाकर जमीन ली गई थी और उस पर एक गोदाम बनवाया गया। ये फर्म 5 लोगों के नाम पर रजिस्टर्ड थी, जिसमें मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी, उसके दोनों साले के नाम शामिल थे। उस गोदाम को फर्म ने एफसीआई को किराए पर दे दिया था, जिसके बाद राजस्व विभाग की जांच में पाया गया कि इस फर्म ने अनुसूचित जाति के लोगों को पट्टे पर
दी गई जमीन को गलत तरीके से अपने नाम कराया है। अफशा पर कोर्ट में पेश नहीं होने और लगातार मिल रहे नोटिस के बाद भी फरार रहने के कारण इनाम घोषित किया गया। इसके अलावा गाजीपुर में गजल होटल लैंड डील और नंदगंज में सरकारी जमीन पर कब्जा करने के केस में अफशा पर पहले ही 25,000 का इनाम घोषित था और अफशा के लगातार फरार रहने के चलते उस पर इनाम की रकम को बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया। इस तरह अफशा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने कुल 75,000 रुपए का इनाम रखा है। वही यूपी की तीसरी मोस्ट वांटेड महिला क्रिमिनल और कुख्यात माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर 50,000 का इनाम है। शाइस्ता परवीन फिलहाल फरार हैं और पुलिस की गिरफ्त से बहुत ज्यादा दूर है और यूपी एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस लगातार शाइस्ता की भी तलाश कर रही है। शाइस्ता परवीन उत्तर प्रदेश की तीसरी मोस्ट वांटेड महिला क्रिमिनल है। शाइस्ता यूपी के कुख्यात माफिया अतीक अहमद की पत्नी है। फिलहाल शाइस्ता फरार है। शाइस्ता की तलाश के लिए यूपीएसटीएफ और प्रयागराज पुलिस कड़ी मशक्कत कर रही है। शाइस्ता परवीन पर पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा है, जिसके बावजूद भी शाइस्ता यूपीएसटीएफ और प्रयागराज पुलिस की पकड़ से बाहर है। बता दें कि शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही है। सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता ही उमेश पाल की हत्या में मुख्य सूत्रधार रही थी। उमेश पाल हत्याकांड में शूटरों को पैसे, सिम और मोबाइल आदि देने की जिम्मेदारी उसी की थी। पुलिस का मानना है कि उमेश पाल की हत्या के बाद शाइस्ता लगातार अपनी जगह बदल रही है, यहां तक कि अपना सिम और मोबाइल भी बदल रही है। पुलिस शाइस्ता की तलाश के लिए कई राज्यों के सीसीटीवी कैमरे खंगाल चुकी है। शाइस्ता की बात करें तो शाइस्ता के पिता पुलिस विभाग में थे। वो बचपन से ही अपने परिवार के साथ पुलिस क्वार्टर में रहती थी, लेकिन आज पुलिस वाले की बेटी शाइस्ता परवीन का जुर्म की दुनिया में बड़ा नाम है। सूत्रों के मुताबिक अतीक से शादी के बाद काफी समय तक शाइस्ता ने खुद को घर और बच्चों तक ही सीमित रखा था, लेकिन अतीक के जेल जाने के बाद से वो पति के कारोबार को संभालने लगी और सार्वजनिक तौर पर और राजनीतिक कार्यक्रमों में आना जाना शुरू कर दिया। अतीक के जेल जाने के बाद से शाइस्ता अतीक के आपराधिक साम्राज्य की भी कमान संभालने लगी। शाइस्ता परवीन और अतीक अहमद के 5 बेटे हैं। भले ही शाइस्ता अतीक और उसका परिवार जुर्म की दुनिया से ताल्लुक रखता था, लेकिन आज शाइस्ता का पूरा परिवार बिखर चुका है। शाइस्ता के 5 बेटे हैं, जिनमें 2 बड़े बेटे उमर और अली जेल में बंद हैं। शाइस्ता का 3रा बेटा असद पुलिस इनकाउंटर में मारा गया और 2 नाबालिग बेटे बाल सुधार गृह में हैं। इसके अलावा शाइस्ता का पति माफिया अतीक अहमद की भी हत्या कर दी गई और शाइस्ता खुद भी दर बदर भटक रही है। हर दूसरे दिन छुपने के नए ठिकाने तलाश कर रही है। फिलहाल तो यूपी की तीनों मोस्ट वांटेड महिलाएं फरार हैं। वो कहाँ हैं? आखिर कौन इन वांटेड महिलाओं की मदद कर रहा है? ये बड़ा सवाल है। इन सभी सवालों और जवाबों के बीच पुलिस लगातार इन महिलाओं की तलाश कर रही है और जल्द ही पुलिस इन तीनों वांटेड महिलाओं को गिरफ्तार भी कर सकती है। हमारी इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।